कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपेश यादव है। मैं सूरत स्कूल सेक्टर 75 का छात्र हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हमारा भारत COVID-19 यानी कोरोना नाम के वायरस से जूझ रहा है। आज हम आपको इसके कुछ लक्षण और इनसे कैसे बचा जाए वो बताने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना वायरस की जानकारी देने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और जब ये बूंदें फैलती हैं तो कोरोना वायरस भी फैलता है। इसीलिए यदि आप किसी भी व्यक्ति को खांसते, छींकते या बीमार के लक्षण उसमें देखते हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें, या फिर उन्हें मास्क दे जिसमें वे खा सकते हैं और छींक सकते हैं। भीड़ भाड़ की जगहों में जाने से बचें। हालांकि कभी कभी यह किसी की लार से अन्य चीजों पर भी जाती है, जैसे डिजिटल डिवाइस, माउस, कप और पेन। ये वस्तुओं पर 48 घंटे तक रहता है और कपड़ों पर यह 12 घंटे तक रहता है। अगर आप किसी भी दूषित चीज को छूते हैं तो आपको अपने हाथों को 20 सेकंड तक पानी और साबुन से धोना चाहिए। इससे कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। डिस्पोजल रुमाल के साथ अपनी खांसी को कवर करें या मास्क से, और उन्हें कचरे के डिब्बे में डाल दें, क्योंकि मास्क एक दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। लोगों के संपर्क में आने से बचे जो पहले ही बीमार है, और व्यक्तिगत वस्तुओं जैसे बर्तन, भोजन और तौलियों को साझा करते हैं। अपनी आंख, नाक, कान को छूने से बचें। अंत में, यदि आप बीमार हैं तो चिकित्सीय सलाह लें। मेरी आपसे यही इच्छा है कि आप इन सावधानियों का पालन करें और हमारे देश को स्वच्छ व सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।